हाँ भाई जान दो। तो जैसे शुरू के, अरे उस पे नालायक, नेम्स नहीं शो करता है कौन एनोटेशन कर रहा है, करके देख एक बार, क्यों रफाती करके देख, कर ही नहीं रहा कोई। तो उसमें जैसे जब हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट को पुटअप करते हैं तो इन सब रिएक्शंस का थोड़ा एडियोमेट्रिक टाइट्रेशन में ध्यान रखना होता है, मतलब आयोडीन के एस्टिमेशन के लिए हम लोग इन सब रिएक्शंस का यूज़ करते हैं। और ऊपर के जो रिएक्शन दे रखे हैं अप टू नीचे एक 11 नंबर, 11 नंबर के 12 नंबर भी कंसिडर कर सकते हैं एक हद तक, 12 नंबर बहुत ज़्यादा काम का तो नहीं होता, बट 11 नंबर तक वाला पार्ट अपने काम का होता है, वहाँ तक की चीज़ों का या वहाँ तक के रिएक्शंस का प्रॉपरली ध्यान रखना होगा अपने को, उन रिएक्शंस को याद ही रखना होगा। और ऑल्दो मेरे हिसाब से उन सब रिएक्शंस का ध्यान रखे ही होंगे सब लोगों को, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। तो ये लिस्ट अपने पास रखना, रिएक्शंस का थोड़ा ध्यान रखना, रिएक्शंस को हम लोग डायरेक्टली यूज करके चलेंगे। अगर हम लोग को आगे आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन करना है तो हो सकता है रिएक्शन गिवन हो क्वेश्चन में, या हो सकता है रिएक्शन गिवन ना हो। वैसे एक चीज अब तक समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कुछ नहीं है, बस रिएक्शन है, मोल कंसेप्ट है, बस मोल कंसेप्ट में हम लोग बैलेंसिंग के साथ काम कर रहे थे, यहाँ पे बिना बैलेंसिंग के काम करते हैं, बेसिकली पीओएसी वाला पार्ट है। अगर हमको मालूम है कि पूरा रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, पूरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम लोग पीओएसी अप्लाई करके चल रहे हैं, लिख रहे हैं केवल यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के टर्म में, और ज्यादा कुछ यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं एक्चुअल में। तो जैसे सवाल में क्या क्या करा था एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन था, नॉर्मल टाइट्रेशन, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में हाँ ये चीज़ बता दिया था कि इंडिकेटर में स्टार्च रहता है, जैसे इंडिकेटर में स्टार्च रहता है तो जैसे I2 का फॉर्मेशन होता है तो ब्लू कलर का फॉर्मेशन करा देता है, तो टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, ऐसा हम लोग कंसिडर करते के चलते हैं। वैसे उल्टा रिएक्शन लोग देखते हैं, जब तक आयोडीन होता है तब तक तो हम लोग का रिएक्शन ब्लू कलर रखेगा, बट जैसे आयोडीन खत्म हो जाता है, जिस इंस्टेंट आयोडीन खत्म होता है हम लोग का ब्लू कलर खत्म हो जाता है, मतलब रिएक्शन कम्प्लीट हो गया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। फिर उसके आगे हाइपो सोल्यूशन दे रखा, हाइपो सोल्यूशन के साथ रिएक्शन बता दिया था H2O32- के साथ, जब I2 का रिएक्शन होता है तो S4O6 वाले पार्ट का रिएक्शन निकल के आता है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो जो एन फैक्टर वाला पार्ट था आराम से वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन इज कैरिड आउट इन न्यूट्रल और माइल्डली बेसिक मीडियम, ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम वाले पार्ट में स्टार्च जो है उसका हाइड्रोलिसिस होगा, और जब बेसिक मीडियम स्ट्रॉन्ग लेके चलेंगे तब उस केस में हम लोगों के पास प्रॉब्लम इस चीज़ का आता है जो यहाँ पे दे रखा है स्क्रीन पे। अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम लेके चलेंगे तो I- वाले पार्ट का डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाएगा, तो pH वेरी हाई मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, तो दोनों में से कुछ नहीं ले सकते, न्यूट्रल मीडियम या माइल्ड एसिडिक मीडियम हम लोग कंसिडर करके चलेंगे, या फिर माइल्ड बेसिक मीडियम वाला पार्ट, मतलब नियर अबाउट pH इज इक्वल टू 7 कंसिडर करके चल सकते हैं। बाकी एक ये छोटा सा पॉइंट था, बोला था इसको ध्यान रखना है, जब हम लोग टाइट्रेशन कराते हैं आर्सेनिक वाले पार्ट का 3rd नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो उस केस में न्यूट्रल मीडियम मेंटेन करके रखने के लिए हम लोग को सोडियम बाइकार्बोनेट वाले पार्ट को ऐड करना होता है। चलो उसके आगे एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, ठीक है आंसर 1.28 आ गया था, उसके आगे I2 वाला पार्ट कराया था, उसके आगे तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कोई और क्वेश्चन नहीं कराया था क्या, एक क्वेश्चन शायद होमवर्क दिया था ना तुम लोगों को बैक टाइट्रेशन वाला, कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिए थे कुछ याद है? बैक टाइट्रेशन का एक क्वेश्चन हम गलती से दे दिए थे, बोले थे ये तो बैक टाइट्रेशन का पार्ट है, इसको घर से ट्राई करके आना, कुछ याद है? यही सर सल्फर जिसने वेट वाला दिया सर, हो। सल्फर वाला रिएक्शन था क्या? यस सर। ओके, सल्फर वाला रिएक्शन कहाँ गया? हाँ भाई ट्राई किए थे इसको, बताओ जल्दी बताओ, सन्नाटा छा गया मतलब नहीं ट्राई किया था, ट्राई करके देखो फटाफट, ट्राई करके देखो, बैक टाइट्रेशन नहीं बता रहे, मोल कंसेप्ट अप्लाई करके देखो, यहाँ पे समझ में आएगा। वैसे बैक टाइट्रेशन का हिंट दे दिया था तुम लोगों को कि बैक टाइट्रेशन किस तरीके से होता है, बट एक बार ट्राई करके देखो। और अभी तक जो भी रिएक्शंस करा रहे हो सारे के सारे सिंपल टाइप के टाइट्रेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आगे जैसे डबल टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन के बाद एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे हम लोग, उसमें थोड़ा सा हम लोग वेरिएशन करते हैं, सिक्वेंशियल रिएक्शन होता है थोड़े वेरिएशन के साथ, तो उसमें क्या क्या वेरिएशन हो सकता है इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे, ट्राई करके देखो एक बार, लास्ट क्लास में जो हिंट दिया था उसके हिसाब से ट्राई करके देखो।
आयुष, आवाज आ रहा है तुमको? अरे सर भाई, कपड़े लेके कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है सर। पूछिए मजा आता है उसको पढ़ के? अरे उसी से पीयूष। हाँ उससे हम कहे पूछे, तो तुमसे पूछ रहे हैं। सर ठीक तो कर रहा है, अपना बनाता है बैठ के। तो हाँ समझ में आता है 11th 12th का पढ़ाई हैंडल कर पा रहा है? हाँ, सर अभी तो आज सर टेस्ट दे रहा था सुबह को, तो बना तो मैथ्स रहा का, था। मैथ्स का टेस्ट था। नंबर तो अच्छा ही लाया। खैर चलो ठीक है। इसका भाई फंक्शन वंक्शन पढ़ चुका, भाई फंक्शन पढ़ चुका, ग्राफ वगैरह बनाना सीख लिया, केमिकल बॉन्डिंग पूरा, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग सब पढ़ चुका है इसका भाई 10th क्लास में अभी। तो देख लो, तुम लोगों का कंपटीशन ऐसे ही लोगों के साथ है बेसिकली। मेरा मन नहीं करता ऐसे पढ़ाने का, बट मजबूरी में पढ़ाना पड़ता है। हम लोग नहीं पढ़ाएंगे तो कोई और पढ़ाएगा, फिर रैंक नहीं आएगा और लोग घुमा फिरा करके रैंक देखते हैं। बड़ा अजीब विडंबना है दुनिया की, बट होता यही है। अरे इसको कॉपी कर सकते हैं क्या? क्योंकि इसके नीचे लिखेंगे कैसे? बढ़िया। गायब कर दिए। अच्छा गायब नहीं किए रे, कट पेस्ट मार रहे थे नीचे। ऊपर कहाँ एक्सप्लेन करते हैं? तो रिएक्शन तो लास्ट क्लास में लिखा दिया था। गायब कर दिया क्या मतलब होता है? सॉल्व तो तुम घर कॉपी से करके आना चेंज था। किए अबे हैं। तुम अभी भी कॉपी चेंज करो, अभी भी बहाना खत्म नहीं है। गजब नलायक सब लोग। बुढ़ापा आ गया तुम लोग का, टॉपिक खत्म हो गया, मेंस का एग्जाम हो गया, बहाना खत्म नहीं हुआ तुम लोग का। बैक टाइट्रेशन का बेसिक मतलब समझ लेना, हम लोग जो बचे हुए आयोडीन है उसका वापस से रिएक्शन करा रहे हैं। तो बैक टाइट्रेशन, टाइट्रेशन ही करा रहे हैं लेकिन बचे हुए का रिएक्शन करा रहे हैं। मतलब पहले एक बार रिएक्शन हो गया, जैसे हम लोग करते थे ना लिमिटिंग रिएजेंट, तो उसमें एक एक्सेस रिएजेंट होता है और एक लिमिटिंग रिएजेंट। तो कभी कभी सवाल सॉल्व करते थे कि भाई कितना एक्सेस बच जाएगा, तो जो एक्सेस बच रहा है उसका फिर से टाइट्रेशन करा रहे हैं हम लोग। इसलिए यहाँ पे बैक टाइट्रेशन वर्ड यूज किया गया। कुछ है नहीं एक्चुअल में यहाँ पे, बस एक पार्टिकुलर पार्ट का ध्यान रखना होता है। जब भी हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन कराते हैं तो वैलेंसी फैक्टर का ध्यान रखना होता है, अदरवाइज सिंपल सा सवाल ये है। लास्ट क्लास में शायद कुछ कुछ रिएक्शन लिखाया होगा कि H2S वाला पार्ट आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, और H2O3 वाला, मतलब H2O3 टू माइनस वाला पार्ट आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। एग्जैक्टली उन सब चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा। H2S वाला पार्ट आयोडीन के साथ रिएक्शन कर रहा, अगर H2S वाला पार्ट आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा तो उसके इसमें सल्फर बनाता है, शायद आई माइनस वाले पार्ट का फॉर्मेशन करता है, और रिएक्शन वाले पार्ट में फिर जब हम लोग I2 का रिएक्शन करा रहे होंगे तो I2 वाला पार्ट H2O3 टू माइनस के साथ रिएक्शन जब करेगा तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में आई माइनस बनता है, और साथ ही साथ S4O6 टू माइनस का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन तो याद हो ही गया होगा, लास्ट क्लास में भी रिएक्शन कराया था। और ध्यान रखना है हाइपो सोल्यूशन का, रिएक्शन स्टैंडर्ड नाम से चलता है, रिएक्शन विद हाइपो सोल्यूशन या फिर टाइट्रेशन विद हाइपो सोल्यूशन। तो सवाल में ऐसा बोला है कि 10 ml ऑफ 0.005 मोलर, सॉरी, कन्वर्टिंग H2S2S एब्जॉर्बिंग द H2S इन 10 ml ऑफ 0.005 मोलर I2 एंड देन बैक टाइट्रेटिंग द एक्सेस ऑफ I2 विद 0.002 मोलर Na2S2O3। इफ 10 ml ऑफ Na2S2O3 इज रिक्वायर्ड फॉर द टाइट्रेशन, हाउ मेनी मिलीग्राम्स ऑफ सल्फर आर कंटेन्ड इन द सैंपल?
सल्फर कितना ज्यादा होगा, तो सल्फर वाले पार्ट को हम लोग H2S में कन्वर्ट कर रहे हैं। उधर तो हम लोग मोल कंसेप्ट आराम से अप्लाई करके चल सकते हैं कि कितना सल्फर हम लोग को वहाँ पे मिल रहा होगा। तो जैसे एक काम करके देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, H2S वाला पार्ट जब रिएक्शन किया तो यहाँ पे 10 ml I2 वाले पार्ट को लेकर के चले, 10 ml 0.005, 0.005 की बात कर रहा है। इसको बैलेंस करेंगे तो वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट H2S में कितना आएगा और दूसरा I2 वाले पार्ट में कितना आएगा। ऐसे हमको लगता है कि शायद मोल कंसेप्ट से अप्लाई करना इस चीज को ज्यादा आसान हो जाएगा, मिलीग्राम बोल रखा है ना। चलो एक काम करते हैं, पहले मोल कंसेप्ट से सॉल्व करके दिखा देते हैं भाई। तो बैक टाइट्रेशन तो छोड़ दो, मोल कंसेप्ट से पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। 10 ml ऑफ 0.005 मोलर मतलब 0.05 मोल्स अगर हम लोग लेकर के चल रहे हैं I2 वाले पार्ट का, 0.05 मोल्स, तो इस H2S का मान लेते हैं कि X मोल एग्जिस्ट कर रहा होगा और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके I माइनस वाले पार्ट का फॉर्मेशन करा है। तो जब इसको बैलेंस आउट करेंगे, H2S वाला पार्ट I2 के साथ रिएक्शन करेगा तो H2S वाला पार्ट डेफिनेटली H+ वाला पार्ट देगा, एसिडिक मीडियम है यहाँ पे। अगर बैलेंस आउट करेंगे तो सल्फर बैलेंस्ड है, आयोडीन बैलेंस कर लो, एच वाला पार्ट डायरेक्टली बैलेंस हो गया, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं अपने को निकल के आई। तो H2S वाला पार्ट आराम से HI में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो X वाला पार्ट 0.05 मोल के साथ रिएक्शन करके सल्फर और I माइनस वाले पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो एक चीज दिख रहा, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा, एक्सेस ऑफ I2 का हम लोग बैक टाइट्रेशन करा रहे हैं, मतलब I2 वाला पार्ट जो है वो एक्सेस रिएजेंट है। तो जो हम लोग H2S वो लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट है तो खत्म हो जाएगा। अगर खत्म होगा तो जीरो और सामने वाले पार्ट में हम लोग का 2x के बराबर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मेशन कराएगा। तो सामने 2x का नंबर ऑफ मोल्स मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद जो हम लोगों का I2 खत्म हुआ अगर उसको कंसिडर करें तो इसका एक मोल एक के साथ रिएक्शन कर रहा है, एक्स मोल एक्स के साथ रिएक्शन करेगा, तो बच गया यहाँ पे 0.05 माइनस एक्स के बराबर। तो जो मोल्स बच गया वही चीज हम लोग दूसरे जगह पे टाइट्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं, 0.05 माइनस एक्स। और H2O32- वाले पार्ट का हम लोग के पास वैल्यू दे रखा है 0.002 मोलर और 10 ml, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे 0.02 के बराबर। और यहाँ से हम लोग का बैक टाइट्रेशन पूरा कंप्लीट हो रहा है, मतलब पूरा कंप्लीट हम लोग टाइट्रेशन करके काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग नीचे वाले पार्ट को बैलेंस आउट करेंगे तो नीचे वाले पार्ट में बैलेंसिंग से 2 लिखने से काम चल जाएगा, 2S2O3 मतलब S4O6 ओवरऑल इक्वेशन बैलेंस निकल के आ गया, और यहाँ पे 2I2 वाला पार्ट आराम से लिख के काम कर सकते हैं। तो इक्वेशन बैलेंस आउट हो गया और हम लोगों को आयोडीन से तो मतलब भी नहीं है। सवाल में बस ये पूछा है हाउ मेनी मिलीग्राम ऑफ सल्फर आर कंटेन्ड इन द सैंपल, सल्फर का कितना मिलीग्राम सैंपल में एग्जिस्ट करेगा। तो 0.05 मोल्स वाला पार्ट, सॉरी 0.05 माइनस एक्स मोल्स वाला पार्ट 0.02 मोल्स के साथ रिएक्शन कर रहा, 1:2 रेशियो का पार्ट चल रहा है। इसका मतलब इसका एक मोल इसके दो मोल के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसका इतना मोल सामने वाले पार्ट के जस्ट डबल के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब 2 × 0.05 माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0.02। यहाँ से 0.05 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.01 लिख सकते हैं आराम से हम लोग। और यहाँ से जब एक्स वाला पार्ट कैलकुलेशन करेंगे तो 0.04 के बराबर निकल के आएगा। तो एक चीज मालूम पड़ गया, एक्स वाला पार्ट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S वाला पार्ट 0.04 मोल्स के बराबर है। तो अगर यहाँ से हम लोग मास वाले पार्ट को निकालना शुरू करें सल्फर का, तो जितना H2S है उतना ही सल्फर है और सल्फर का मास 32 के बराबर मल्टीप्लाई करके काम कर सकते हैं। तो यहाँ से 32 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, 0.04 × 32 पक्का 1.28। आंसर देख के बस बोल दिया 1.28। नहीं सर अभी तो किया। अच्छा 8 और 4 12, हाँ ठीक है 1.28 के बराबर, और शायद लास्ट क्लास में आंसर दे भी रखा था 1.28 ग्राम के बराबर, ऊपर कहीं आंसर लिखा हुआ था, हाँ 1.28 ग्राम। तो जैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, लोगों को पता नहीं क्यों टाइट्रेशन में ऐसा कंफ्यूजन होता है, मोल कंसेप्ट है बेसिकली। बस ये मोल कंसेप्ट में हम लोग इक्वेशन को बिना बैलेंस करते हुए काम करते हैं। अगर तुम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस आउट कर लो तो बैलेंसिंग करने के बाद फिर हम लोगों को मोल कंसेप्ट अप्लाई करना है। हम लोग बिना बैलेंसिंग किए हुए अगर काम करते हैं तो जो बैलेंसिंग का फैक्टर है वही हम लोग का वैलेंसी फैक्टर में रिफ्लेक्ट होता है एक्चुअल में। तो हम लोग बस नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट ना करने की जगह पे इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट से रिलेट करते हैं। तो वैलेंसी फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स, वैलेंसी फैक्टर इंटू
नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं, कुछ भी नंबर ऑफ मोल्स है, बैलेंसिंग फैक्टर अगर अलग अलग हो गया, मतलब बैलेंसिंग अपना अलग अलग हो गया, और उसी चीज को हम लोग इक्विवेलेंस कंसेप्ट बोल के काम कर रहे होते हैं, मतलब पीओएसी अप्लाई करके चल रहे हैं जिसमें बिना बैलेंसिंग के काम करते हैं। एक चीज है कि अगर हम लोग बैलेंसिंग फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोग सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो बैलेंसिंग फैक्टर निकालना मस्ट कंडीशन है। बैलेंसिंग कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उससे बैलेंसिंग करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, डायरेक्टली देख के बैलेंसिंग नहीं कर सकते। तो जब ओवरऑल बैलेंसिंग करेंगे ही हम लोग, जब हम लोग वैलेंसी फैक्टर का चेंज या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज सब निकालेंगे ही, तो उतना फिर वैलेंसी फैक्टर के साथ बैलेंसिंग करके फिर मोल कंसेप्ट क्यों अप्लाई करेंगे, हम लोग सीधा वैलेंसी फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स या फिर मास वाले पार्ट से नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट करके वैलेंसी फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स रिलेट करके आराम से काम कर सकते हैं। तो हम लोग को जो एक्स्ट्रा मेहनत है कि पहले रिडॉक्स का बैलेंसिंग किया फिर बैलेंसिंग करने के बाद मोल कंसेप्ट अप्लाई किया, वो एक्स्ट्रा मेहनत वाला पार्ट बच जाएगा, बट ओवरऑल चीजें सिमिलर टाइप की होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इसी को अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को अगर रिडॉक्स के हिसाब से रिलेट करते हैं, तो जैसे रिडॉक्स वाले पार्ट में एक चीज है कि H2S वाला पार्ट I2 के साथ रिएक्शन किया, तो उस केस में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2S, क्योंकि ऐसा हम कंसेप्ट बस ऐसा लिखते चल रहे हैं, H2S वाला पार्ट I2 के साथ रिएक्शन किया, कुछ भी प्रोडक्ट बनाया, फिर बाद में जो I2 बचा वहां से हम लोग हाइपो सॉल्यूशन वाले पार्ट के साथ रिएक्शन कराए, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2S विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 होना चाहिए था, लेकिन टोटल I2 वाला पार्ट लास्ट क्लास में इस तरह का रिएक्शन कराया था कि KMnO4 वाला पार्ट एक मिक्सचर के साथ रिएक्शन कर रहा है, जहां पे Fe C2O4 था और Fe2+ या ऐसा कुछ FeSO4 दे रखा था। तो जब KMnO4 का गिवन अमाउंट पूरे के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसके भी कुछ अमाउंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसके भी कुछ अमाउंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो सेम कंडीशन हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं कि हम लोगों का इक्विवेलेंट ऑफ I2 वाला जो पार्ट है वो H2S के इक्विवेलेंट प्लस हाइपो सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट के बराबर है। तब उस केस में ऐसा लिख सकते थे इक्विवेलेंट ऑफ I2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2S प्लस इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो सॉल्यूशन मतलब H2O3 2-। बस एक चीज का ध्यान रखते हुए काम करना होता है इसमें, इन दोनों केसेस में, मतलब पहले केसेस में और दूसरे केसेस में, जो वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट I2 का है वो दोनों में बराबर होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम वैलेंसी फैक्टर, तभी जाके हम लोग इन दोनों को डायरेक्टली एडअप कर पाएंगे। अगर दोनों जगह का वैलेंसी फैक्टर अलग अलग है तो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है, उसमें इस रिएक्शन को अलग तरीके से सॉल्व करो, वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालो, उस नंबर ऑफ मोल्स को नीचे पुट अप करो, फिर नीचे के लिए अलग से इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वाला पार्ट अप्लाई करो, एक ही बार में इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इतना प्लस इतना, या फिर सॉरी H2S का इक्विवेलेंट प्लस हाइपो सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू I2 का इक्विवेलेंट, ये चीज अप्लाई करके काम नहीं करेंगे, इस एक चीज का ध्यान रखना। मतलब एक छोटा सा कंडीशन होता है जो हम लोग सिक्वेंशियल रिएक्शन में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, अगर हम लोग के पास सवाल में एक सीक्वेंशियल रिएक्शन टाइप का पार्ट दे रखा है जो कि दे ही रखा होगा टाइट्रेशन में कभी भी एक ही बार में हम लोग का टाइट्रेशन कंप्लीट नहीं रहेगा, एक बार एक जगह रिएक्शन कराए फिर उससे बचा हुआ चीज दूसरी जगह रिएक्शन कराए, अगर ऐसा सवाल दे रखा होगा तो इस केस में हमेशा ये देख के काम करना कि पहले वाले केस में जो कंपाउंड दे रखा और दूसरे वाले केस में सिमिलर जो कंपाउंड दे रखा, इन दोनों का वैलेंसी फैक्टर सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तब तो हम लोग सीधा इस क्वेश्चन को रिलेट कर लेंगे, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट होने के केस में हम लोग ऊपर वाले रिएक्शन को अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसको नीचे पुट अप करेंगे, फिर नीचे वाले रिएक्शन को वापस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करके देखो एक बार हम लोग का आंसर वैलेंसी फैक्टर की तरफ से सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, फटाफट ट्राई करके देखो। एग्जैक्टली सेम है, आंसर तो निकल के आ गया हम लोग का मोल कंसेप्ट से, बट एक बार ट्राई करके देखो और नीचे जो इक्वेशन लिखा है उसके हिसाब से अप्लाई करके देखना।
अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग का जो प्रोडक्ट था उस वाले पार्ट का रिएक्शन कराते आगे, मतलब यहाँ का प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो सॉल्यूशन अप्लाई करके काम कर सकते हैं। बस वही कंडीशन का ध्यान रखना है, वैलेंसी फैक्टर ऊपर वाले रिएक्शन में जो होगा आई माइनस का एग्जैक्टली सेम वैलेंसी फैक्टर दूसरे वाले केस में, मतलब ऐसा लिख सकते हैं ए वाला पार्ट बी के साथ कंबाइन करके सी बना रहा, सी वाले पार्ट को हम लोग वापस से डी के साथ कंबाइन करके ई बना रहा है, तो इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सी, और इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डी या इक्विवेलेंट ऑफ ई। लेकिन ये पार्ट में इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ई तब बोलेंगे जब सी का वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट इस गिवन क्वेश्चन में और नीचे वाले गिवन क्वेश्चन में बराबर निकल के आएगा। तो दोनों में जब वैलेंसी फैक्टर सेम आएगा तब इक्विवेलेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं जैसे इक्विवेलेंट ऑफ अगर हम लोग ए लिखे विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सी, तो इक्विवेलेंट ऑफ सी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, और यही नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट अगर हम लोग का सेम आगे भी पुट अप हो गया तो वैलेंसी फैक्टर तो सेम है, ये किसी काम का नहीं रहेगा, बेसिकली केवल नंबर ऑफ मोल्स काम का निकल के आएगा, तो वही नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर आगे भी पुट अप हो जाएगा। बट अगर प्रोडक्ट बना बट वैलेंसी फैक्टर चेंज हो गया तो बेसिकली ये पूरा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वाला पार्ट चेंज हो जा रहा है, तब उस केस में ए को हम लोग आगे के पार्ट से रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसी को हम लोग एक टाइट्रेशन वाले पार्ट में, मतलब थोड़ा आगे थोड़ा मॉडिफिकेशंस में यूज करते हैं बेसिकली, बस एक कंडीशन का ध्यान रखना होता है इक्वेशन के टाइम पे। हाँ भी आंसर आया 1.28, जल्दी बताओ। यहाँ पे एस माइनस नहीं होगा, सॉरी एस सल्फर होना चाहिए, आई माइनस बन रहा है ना, सल्फर होगा रिएक्शन, एस माइनस तो कुछ हो ही नहीं सकता। आई टू प्लस हाइपो सोल्यूशन रिएक्शन नीचे लिख ही देते हैं, एस टू ओ थ्री टू माइनस, एस टू ओ थ्री टू माइनस वाला पार्ट प्रोडक्ट में आई माइनस बनाएगा, साथ ही साथ एस फोर ओ सिक्स टू माइनस बनाएगा। वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। आया जी आंसर, यस सर। H2S वाले पार्ट का नंबर ऑफ मोल्स x के बराबर मान लिए, तो जब इसका वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे तो बेसिकली सल्फर वाले पार्ट का हम लोग वैलेंसी फैक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से काम चल जाएगा क्योंकि H2S वाले पार्ट पे तो H+ का H+ ही रह गया, यहाँ पे माइनस टू वाले पार्ट से जीरो में जा रहा है, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज दो के बराबर है, और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज एक मॉलिक्यूल के दो के बराबर है, मतलब वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट टू के बराबर निकल के आना चाहिए। तो एक तो यहाँ से वैलेंसी फैक्टर आ गया, दूसरा आई टू का अगर वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे तो टोटल चेंज यहाँ भी दो के बराबर है एक मॉलिक्यूल के लिए, मतलब वैलेंसी फैक्टर यहाँ भी टू निकल के आ जाएगा। तो उस केस में जब दोनों का वैलेंसी फैक्टर मालूम है और आगे भी आई टू वाला पार्ट आई माइनस में ही कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से ये वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट मालूम है अपने को,
उस केस में अगर दोनों जगह पे वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट टू के बराबर है दोनों केसेस में, तो अपना काम हो गया, आराम से वहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग। अब इस पूरे पार्ट में जब हम लोग का वैलेंसी फैक्टर टू के बराबर है तो इक्विवेलेंट ऑफ आई टू विल बी इक्वल टू एच टू एस प्लस एच टू ओ थ्री टू माइनस। इससे कितना आएगा वैलेंसी फैक्टर एच टू ओ थ्री टू माइनस वाले पार्ट का? बताओ अभी जल्दी, लास्ट क्लास में कैलकुलेट भी कराया था, कितना हो जाएगा? तो क्या बोल रहा है, आवाज नहीं आ रहा तेरे ढंग से। वन होगा, वन। हाँ ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था ये चीज कि जैसे टोटल चेंज यहाँ से दो के बराबर है, अगर आई टू से हम लोग आई माइनस वाले पार्ट में जा रहे हैं तो उधर चेंज दो के बराबर है, तो दूसरे साइड में भी टोटल चेंज दो के बराबर होगा दो मॉलिक्यूल के लिए, मतलब वैलेंसी फैक्टर वन के बराबर। तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो इक्विवेलेंट ऑफ आई टू, तो टोटल यहाँ पे ऐसा सवाल में दिया था 10 ml of 0.05 sorry 0.005 molar I2, उसमें से कुछ पार्ट H2S के साथ गया, कुछ पार्ट हाइपो सॉल्यूशन के साथ गया। हाइपो सॉल्यूशन कितना है तो 0.002 और उसके आगे वाले पार्ट में 10 ml। तो अगर इन सब चीज़ों का एडअप करेंगे तो 0. पहले तो मोलरिटी 0.005 इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, तो एन फैक्टर वाला पार्ट टू के बराबर। सामने वाले पार्ट में इक्विवेलेंट ऑफ H2S नहीं मालूम था तो नंबर ऑफ मोल्स x इंटू वैलेंसी फैक्टर टू के बराबर ले सकते हैं, और उसके आगे इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो सॉल्यूशन अगर लेके चलेंगे तो इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो सॉल्यूशन था 0.002 इंटू 10 इंटू वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट वन के बराबर पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर x कैलकुलेट करेंगे तो दो से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 0.001 आएगा, मतलब 0.1 के बराबर। x का वैल्यू 0.005 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0.05 हुआ, और यहाँ से 0.001 इंटू 10 0.01 दूसरे साइड लेके गए माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पे 0.04 मोल्स निकल के आएगा। वही चीज़ ऊपर भी निकल के आया था, बट ऊपर में हम लोग को ज़्यादा स्टेप्स करने पड़े थे मोल कंसेप्ट में, यहाँ पे वो काम डायरेक्टली निकल के आ गया गिवन हम लोग का दोनों में वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट कॉमन कंपोनेंट का एग्जैक्टली सेम निकल के आया था, तो उसके हिसाब से हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया। तो ये पता चल गया कि x का वैल्यू कितना है, तो हम लोग का सल्फर का कंटेंट आराम से निकल के आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को बैक टाइट्रेशन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन से? बताओ भाई। हाँ आदित्य गौतम, बैक टाइट्रेशन का मतलब समझ में आया? यस सर। ज्ञान? यस सर। आदित्य राज? यस सर। उसके नीचे अखिल आनंद? यस सर। आगे आयुष? यस सर। सत्यजीत? यस। और सुलभ? यस सर। समझ में आ गया ना बैक टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? यस। तो चलो ठीक है, हम बस एक छोटा सा वापस से मेंशन कर देते हैं पार्ट। जैसे इन जनरल बैक टाइट्रेशन तब यूज किया जाता है कि मोल कंसेप्ट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, एक इम्प्योर ये है सैंपल है। जैसे एक सवाल हम छोटा सा देते हैं कि 200 ग्राम ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसको हम लोग हीट करेंगे तो हीट करने पे हम लोगों को कितना CO2 मिलेगा? ये सवाल तुम्हारे बुकलेट में दे रखा है मोल कंसेप्ट में, अभी हम लोग रिसेंटली 11th वालों को सॉल्व कराए थे तो वहाँ पे किलोग्राम दे रखा है, हम यहाँ ग्राम पुट अप कर रहे हैं। 200 ग्राम ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट अगर लेके चल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 200 ग्राम का सैंपल अगर लेके चलते तो उसका 95% ही हम लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट वाला पार्ट मिलता है। तो ऐसा यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हम लोग का 190 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, मतलब 1.9 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट है, और जब उसको बैलेंस आउट करेंगे तो 1:1 रेशियो में कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएशन करने पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाएगा, तो 1.9 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1.9 मोल CO2 निकल के आएगा। बैक टाइट्रेशन में उल्टा काम करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं दे रखा होता कि हम लोगों का कितना परसेंटेज प्योरिटी है, बस ऐसा बोल देता है टाइट्रेशन में कि हम लोगों का एक सैंपल है, उस सैंपल वाले पार्ट का वेट W ग्राम के बराबर है और उस सैंपल के अंदर परसेंटेज प्योरिटी कुछ ना कुछ है। हमको नहीं मालूम कि कैल्शियम कार्बोनेट का कितना परसेंटेज है उसके अंदर, वही परसेंटेज वाला पार्ट निकालना होगा। तो W ग्राम ऑफ अ सैंपल कंटेन्स समथिंग वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर किसी एक सैंपल के टोटल पार्ट के अंदर W ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, तो फाइंड करो कि सैंपल का टोटल वेट कितना है। तो उसमें नॉर्मली हम लोग बैक टाइट्रेशन यूज करते हैं। उसमें करते क्या है नॉर्मली, जैसे मान लो रिएजेंट ए दे रखा जो कि इम्प्योर सैंपल के अंदर था, मतलब एक सैंपल दे रखा था उसके अंदर ए वाला पार्ट प्योरली कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ इम्प्योरिटी के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, इसका रिएक्शन हम लोग किसी एक रिएजेंट के साथ कराए,
तो जब एक्स रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो जो भी प्रोडक्ट बनना था बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए वाला पार्ट जो है वो लिमिटेड रहेगा, जो एक्स वाला पार्ट हो हमेशा एक्सेस में रखा जाएगा, ताकि यहाँ से कम्प्लीटली ए वाला पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, पहला चीज। दूसरा, जब तक रिएक्शन होना है तब तक कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्वेशन चलेगा, हम लोग थोड़ा सा अमाउंट डाले, थोड़ा सा और अमाउंट डाले, थोड़ा सा और अमाउंट डाले, थोड़ा सा और अमाउंट डाले, मान लो 2 ml डाले, 2 ml डाले, 2 ml डाले, 2 ml डाले। तो जैसे जैसे 2 ml डालते गए तो हमको नहीं मालूम कि रिएक्शन कौन कंप्लीट हो रहा है, कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, मान लो तो कुछ कलर चेंज होता, कुछ गैस बाहर निकलता, कुछ भी होता वेरिएशन। तो जैसे जैसे हम लोग 2 ml पुटअप करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग का रिएक्शन होता जाएगा, ए वाला पार्ट खत्म होता जाएगा। मान लेते हैं कि हम लोग का 10 ml में रिएक्शन खत्म हो गया बट हमको पता नहीं चला, तो भी हम लोग 10 ml के बाद, रिएक्शन खत्म होने के बाद भी 2 ml डाले, टेस्ट करने के लिए कुछ और ही तो नहीं बचा। तो 10 ml खत्म होते ही रिएक्शन कंप्लीट हो गया, जब एक्स्ट्रा 2 ml डालेंगे तो रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको पता चल गया कि अच्छा हाँ भाई, हम एक्स वाले पार्ट का 12 ml टोटल डाले थे, 12 ml में से 10 ml में ही अपना काम हो गया था, उसके बाद भी हो सकता है कुछ खत्म हुआ हो, हमको नहीं पता कि कितना खत्म हुआ कितना नहीं खत्म हुआ, बट हम लोग जो भी 12 ml लेके चले उससे एक चीज तो मालूम है कि हाँ 12 ml तक रिएक्शन हुआ था। अब डालते चलेगा, मान लो एक ही बार में 10 ml डाल दिया, एक ही बार में 50 ml डाल दिया, जितना रिएक्शन होना था हो गया, रिएक्शन होने के बाद कुछ ना कुछ अमाउंट तो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि हम लोग एक्स वाले पार्ट का एक्सेस लेके चल रहे हैं। जब तक रिएक्शन फील होगा कि रिएक्शन हो रहा है तब तक हम लोग एक्स्ट्रा एडिशन करते जाएंगे, लेकिन जब हमको दिख रहा है कि नहीं अब एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं हो रहा है तब हम लोग एक्स्ट्रा उसमें एक्स का एडिशन नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग केवल ये चीज करेंगे कि जो भी हम लोग का एक्स बच गया उसका किसी दूसरे रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा देंगे, वाई के साथ, और इन दोनों के रिएक्शन कराने पे फिर से प्रोडक्ट बनाएंगे। तो एक चीज मालूम है कि एक्स का कुछ पार्ट ऊपर खत्म हुआ था, कुछ जो बच गया था वो कम्प्लीटली नीचे खत्म हुआ। तो नॉर्मली बैक टाइट्रेशन ऐसा रखा जाता है कि एक कंपोनेंट एक्स वाला पार्ट जो है ये पार्ट हम लोग के अननोन रिएक्टेंट के साथ भी रिएक्ट करेगा और एक नोन रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो एक्स वाला पार्ट जो है वो हमेशा अननोन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, और उसके बाद जब हम लोग बैक टाइट्रेशन कराएंगे तो उसके साथ तो रिएक्शन करना ही करना चाहिए, ये बिल्कुल फिक्स्ड केस है। इसका मतलब बेसिकली ए वाला पार्ट एक्स के साथ रिएक्शन कर रहा है, एक्स वाला पार्ट वाई के साथ रिएक्शन कर रहा है, जो अभी क्वेश्चन में सॉल्व किया था हम लोगों ने, कि पहले पार्ट में H2S वाला पार्ट I2 के साथ रिएक्शन कर रहा, और जो I2 बच गया Y2 वाला पार्ट फिर से हम लोग हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन किया। हाइपो सॉल्यूशन के अमाउंट को देखते हुए हम लोग मालूम कर लिए कि कितना बचा हुआ अमाउंट था यहाँ पे, और टोटल अमाउंट हमको पता था। तो टोटल अमाउंट पता है, उसमें से जो अमाउंट नीचे वाले पार्ट में गया था रिमेनिंग अमाउंट वो चीज हम माइनस करेंगे, इसका मतलब कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ ऊपर के रिएक्शन में ये पता चल जाएगा। फिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम लोग ए वाले पार्ट का वेट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बैक टाइट्रेशन बोलते हैं, गिवन एक कंडीशन होता है, हम लोगों के दोनों रिएक्शंस में जब अननोन रिएजेंट ए के साथ एक्स वाला पार्ट रिएक्शन कर रहा, तो ए के साथ जब एक्स वाला पार्ट रिएक्शन करेगा इस रिएक्शन में, और एक्स के साथ जब वाई वाला पार्ट रिएक्शन करेगा इस रिएक्शन में, जो वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट है वो दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर ये वैलेंसी फैक्टर सेम नहीं होगा तो हम लोग ये बैक टाइट्रेशन में जो अभी काम किए थे, इक्विवेलेंट ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस वाई, इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते। हम लोग मोल कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, मोल कंसेप्ट से काम करना ज्यादा आसान हो जाएगा। पहले ऊपर का नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नीचे का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, या ऊपर के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ऊपर को एक टाइट्रेशन समझो, नीचे के नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए नीचे वाले पार्ट को अलग टाइट्रेशन समझो, और दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, तो उससे भी अपना काम चल जाएगा। इस पार्टिकुलर पार्ट को हम लोग आराम से यहाँ पे अप्लाई करके चल सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन का। एक तो ये टॉपिक है जो बैक टाइट्रेशन में हम लोग को डिस्कस करना था, और दूसरा एक ये होता है डबल टाइट्रेशन। केवल नाम है स्टैंडर्ड, बाकी काम कुछ नहीं है, काम एग्जैक्टली वही चीज जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सिक्वेंशियल रिएक्शन और साइमल्टेनियस रिएक्शन, इस टाइप का पार्ट। ये सभी जो डिस्कस कर रहे थे वो ऑलमोस्ट सिक्वेंशियल रिएक्शन टाइप का चीज बोल सकते हैं। आगे वाला पार्ट साइमल्टेनियस रिएक्शन तो है बट डिपेंड करता है, जैसे मान लो कि ऐसा दे रखा, मान लो एक मिक्सचर है जिसमें NaOH है और Na2CO3 है, तो दोनों आपस में रिएक्शन करेगा क्या, सोच के बताओ। नहीं करेगा।
ये चीज बचपन में डिस्कस किया था, बेस वाला पार्ट बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता, एसिड वाला पार्ट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो ये दोनों कभी भी रिएक्शन करके बफर सॉल्यूशन वगैरह टाइप का चीज नहीं बना सकता, ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। तो इन दोनों केसेस में जैसे मान लो कि ऐसा दे रखा कि एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर वाले पार्ट में NaOH भी है और Na2CO3 वाला पार्ट भी है, और दोनों का अमाउंट अननोन है, हमको नहीं मालूम, दोनों कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा होगा बट मान के चल रहे कि दोनों का अमाउंट अननोन है। अगर इसका टाइट्रेशन करा के दोनों का अमाउंट निकालना है हम लोगों को, उस मिक्सचर के अंदर दोनों का परसेंटेज निकालना है, रिलेटिव अमाउंट निकला है, जो कुछ भी निकालना है, तो हम लोग इसका टाइट्रेशन करा सकते हैं। तो टाइट्रेशन में जैसे दिख रहा है कि NaOH भी बेस है, Na2CO3 वाला पार्ट भी बेस है, तो हम लोग को एसिड के साथ अगर टाइट्रेशन कराने को मतलब जो NaOH वाला पार्ट है, कोई आया क्या अभी? हेलो, सर आपका स्क्रीन नहीं दिखा रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रहा, नहीं सर। okay. अभी गायब हुआ था क्या? यस सर। ओके, अभी दिख रहा है? हाँ। ओके, हाँ। तो जैसे हम लोग के पास, जैसे हम लोग ऐसा लिख सकते थे नीचे वाले रिएक्शन में कि इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि जब हम लोग इक्विवेलेंट ऑफ HCl की बात कर रहे हैं तो हम लोग तो ये काउंटिंग करके चल रहे थे, जैसे मान लो ऊपर वाले में वी वॉल्यूम खत्म हुआ था, VML, नीचे वाले पार्ट में V2ml खत्म हुआ, तो टोटल वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 के बराबर खत्म हो गया है, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर तो 1 के बराबर है, लेकिन हम लोग नंबर ऑफ मोल्स तो एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर ले रहे हैं ना, हम लोग केवल V2 का रिएक्शन, मतलब V2ml का रिएक्शन Na2CO3 के साथ करा रहे हैं, बट इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 लिख रहे हैं, तो उस केस में हम लोग इस पार्टिकुलर रिएक्शन के कंप्लीट होने तक हम लोग तो अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखेंगे कि चलो ठीक है भाई, पहला जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कराए तो 10 ml में हम लोग का ऊपर वाला रिएक्शन खत्म हुआ, तो जैसे ही हम लोग का 20 ml आया तो 20 ml में हम लोग का नीचे वाला रिएक्शन खत्म हुआ, या मान लेते हैं 30 ml में नीचे वाला रिएक्शन खत्म हुआ, तो हम लोग मीटर के रीडिंग के हिसाब से या बीकर के रीडिंग के हिसाब से वॉल्यूम 30 वाला पार्ट कंसिडर करके चल रहे होंगे। हम लोग चाहे तो थोड़ा दिमाग लगा के काम कर सकते हैं कि अच्छा ऊपर में 10 ml खत्म हुआ था तो उसके बाद का रिएक्शन तो उसके बाद ही शुरू हुआ है, मतलब 10 नंबर से फिर से काउंटिंग शुरू करेंगे तो जो गैप है बेसिकली 20, वो नीचे वाले पार्ट का वॉल्यूम आना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, तो इस कैलकुलेशन को सिंपल फॉर्मेट में रखने के लिए ऐसा बोल दिया जाता है जब दूसरा इक्विवेलेंस पॉइंट खत्म होगा, पहला इक्विवेलेंस पॉइंट जब खत्म हुआ तब तो उस केस में 10 ml था वॉल्यूम, जब दूसरा इक्विवेलेंस पॉइंट आया इक्विवेलेंस पॉइंट 2, तो उस केस में टोटल वॉल्यूम ऑफ HCl जो रिक्वायर्ड था वो 30 के बराबर था, तो इक्विवेलेंस ऑफ HCl जो 30 ml के बराबर के रिस्पेक्ट में आ रहा विल बी इक्वल टू, उसमें तो ऊपर का भी इक्विवेलेंट वाला पार्ट NaOH वाला पार्ट भी कंज्यूम्ड हुआ और Na2CO3 वाला पार्ट, तो इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Na2
CO3 वाला पार्ट ये अप्लाई करके चलेंगे और एग्जैक्टली सेम कंडीशन है कि ऊपर वाले केस में जो रिएक्शन है उसका वैलेंसी फैक्टर हम लोग के पास 1 के बराबर है, तो नीचे का भी वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट 1 के बराबर होना चाहिए। अगर दोनों रिएक्शंस में वैलेंसी फैक्टर अलग अलग हो गए तो इसका कैलकुलेशन अलग करेंगे, नीचे वाले पार्ट का कैलकुलेशन अलग करेंगे। ये हम लोग का डबल टाइट्रेशन कहलाता है। जब दो या दो से ज्यादा रिएजेंट्स होते हैं, नॉर्मली दो से ज्यादा भी रिएजेंट्स होते हैं, तो उस केस में बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर या एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि पहले कौन खत्म होगा। तो पहला इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, दूसरा कब खत्म होगा तो दूसरा इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। जैसे तुम लोग एक चीज याद होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में कराया था कि H3PO4 वाले पार्ट का रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ करा रहे हैं, तो जब हम लोग इसका 1 मोल लिए और इस वाले पार्ट का 1 मोल लिए तब क्या होगा, तो जब 1:1 रेशियो किए तो इसका H3PO4 का एक H+ जो है वो कम्प्लीटली खत्म होगा, H2PO4- में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट निकल के आ गया, या फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट निकल के आ गया। फिर उसके बाद H2PO4- वाला पार्ट फिर से NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, और जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तब उसके से फिर से एक H+ वाला पार्ट हटेगा, HPO4- वाला पार्ट जिस टाइम पे बनेगा, मतलब कम्प्लीटली एक H+ वाला पार्ट खत्म होगा, तब उस केस में यहाँ पे सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट निकल के आएगा। फिर उसके बाद हम लोग HPO4- अगर कंसिडर करके चले प्लस NaOH वाला पार्ट, तब उस केस में PO4- निकल के आएगा। यहाँ पे जब H+=OH- आएगा तो यहाँ पे हम लोग आराम से थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट वाला पार्ट मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो जस्ट हम लोग यहाँ उल्टा लेके चल रहे हैं कि हम लोग का HCl वाला पार्ट जब NaOH के साथ कंबाइन किया तो पहला इक्विवेलेंस पॉइंट आया, जब HCl वाला पार्ट कम्प्लीटली Na2CO3 को न्यूट्रलाइज किया तब उस केस में हम लोग का दूसरा इक्विवेलेंस पॉइंट निकल के आया। बट दूसरे इक्विवेलेंस पॉइंट के टाइम पे जो हम लोग का बीकर का वैल्यू या जो टाइटर वैल्यू है वो अगर हम लोग कंसिडर करके चले तो 30 के बराबर आया। तो हम लोग 30 के हिसाब से इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, इक्वेलेंट ऑफ HCl=, उसमें NaOH वाला पार्ट भी खत्म हो चुका था, न्यूट्रलाइजेशन में जा चुका था, प्लस इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 वाला पार्ट भी आराम से निकल के आ गया था। बाकी कैलकुलेशन करना आसान सा काम है मेरे हिसाब से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये तुम्हारे टाइट्रेशन का बेसिक पार्ट होता है। केवल एक चीज ध्यान रखना होता है, अगर सिक्वेंशियल रिएक्शन है जो कि होगा बाय डिफॉल्ट होगा, तो बस ये देखना जो भी रिएजेंट कॉमन है जिसको हम लोग अप्लाई करके चल रहे हैं, उस रिएजेंट का दोनों रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर सेम है कि डिफरेंट है। अगर सेम है तो इक्विवेलेंस वाला पार्ट सीधा अप्लाई कर दो। उसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि ए वाले पार्ट के साथ हम लोग बी का रिएक्शन करा रहे हैं और प्रोडक्ट वाले पार्ट में सी बन रहा, और वही बचे हुए बी का रिएक्शन हम लोग डी के साथ करा रहे हैं, प्रोडक्ट वाले पार्ट में ई बन रहा। तो अगर बी वाला पार्ट दोनों रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट के जैसा बिहेव कर रहा, तो टोटल बी का इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस डी, ये अप्लाई करेंगे। बट अगर मान लो ऐसा रिएक्शन दे रखा होता ए प्लस सी मिलकर बी बना रहा और बी प्लस डी मिल करके ई बना रहा, तो यहाँ से प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट आया और ये पूरा का पूरा इक्विवेलेंट दूसरे जगह पे यूज हुआ। बेसिकली यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स आया वही नंबर ऑफ मोल्स नीचे वाले पार्ट में यूज हुआ। तो दोनों का वैलेंसी फैक्टर अगर सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स सेम है, वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट सेम है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वाला पार्ट सेम आएगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डी या फिर इक्विवेलेंट ऑफ ई, आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग सीधा ए वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में काम कर सकते हैं, बी वाले पार्ट को यहाँ से रिमूव करके काम कर सकते हैं। यहाँ से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, गिवन वैलेंसी फैक्टर दोनों में सेम होना चाहिए। ये कंडीशन के हिसाब से हम लोग काम कर रहे होते हैं। अगर वैलेंसी फैक्टर डिफरेंट है तो हम सिंपली सजेशन देंगे, कोई फॉर्मूला याद मत रखना, उसमें फॉर्मूला कुछ होता नहीं है, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में ही काम होता है। इस टाइप का कुछ कंसिडरेशन लेके चलते हैं कि यहाँ वाले पार्ट में जो वैलेंसी फैक्टर है तो एक्स इंटू वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट, और नीचे वाले पार्ट में उसी वैलेंसी फैक्टर का शायद रेशियो लेकर के चलते हैं, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, बट हम उसको अवॉइड करके चलते हैं। उस तरह का केस देगा तो ऊपर वाले पार्ट से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, उसी नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट को नीचे यूज करो, यहाँ के वैलेंसी फैक्टर से फिर से मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का इक्वेशन, वहां से रिलेट करके देखो, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ज्यादा बेटर तरीका होगा, कंफ्यूजन कम होगा, फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। बाकी है मोल कंसेप्ट, इतना मालूम पड़ गया होगा। वैलेंसी फैक्टर अच्छे से निकालने आना चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम लोग सारा का सारा असाइनमेंट सॉल्व कर चुका होगा जो तुम लोग को दे रखे थे, ठीक है। तो
कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बाद. उसमें बैक टाइट्रेशन का सवाल है कि डबल टाइट्रेशन का सवाल है कि सिंपल टाइट्रेशन का सवाल है या सिक्वेंशियल एक्शन वाले पार्ट में बैलेंसिंग फैक्टर सेम है कि डिफरेंट है, वो तुमको जज करना है. बट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो. पहला क्वेश्चन नोट करो. 1 liter ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 1 liter ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 कंटेनिंग 15.8 ग्राम ऑफ KMnO4 15.8 ग्राम ऑफ KMnO4 सॉरी KMnO4 इज डीकलराइज्ड बाय पासिंग सफिशिएंट SO2 by passing sufficient SO2 if SO2 is produced by FeS2 what is the amount of FeS2 required to give desired SO2? और एक चीज का ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि इक्विवेलेंट कंसेप्ट है तो केवल इक्विवेलेंस कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. मोल कंसेप्ट अगर सिंपल फील होगा तो पहले मोल कंसेप्ट अप्लाई कर लेना, फिर उसके बाद जहां पे तुमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पार्ट दिखाई देगा उधर सीधा, जहां पे बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे होंगे उधर टाइट्रेशन वाला पार्ट अप्लाई करना.
आई भी किसी कैंसर जल्दी बताओ आंसर आया किसी का अबे इतना टाइम नहीं लगेगा इतना भारी सवाल नहीं है पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हैं चलो ध्यान दो जैसे अगर इस क्वेश्चन वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करना शुरू करें तो इस केस में ऐसा कंसिडरेशन हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि 1 लीटर ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 वाला पार्ट ठीक है एक तो एसिडिक मीडियम दे रखा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंटेनिंग 15.8 ग्राम ऑफ KMnO4 इज डीकलराइज्ड बाय पासिंग सफिशियंट SO2 तो जो हम लोग का KMnO4 वाला पार्ट है उस चीज को हम लोग डीकलराइज करके चल रहे हैं मैंगनीज का मोलर मास क्या हो जाएगा चलिए बोलो मैंगनीज का मोलर मास अरे रिप्लाई करो भाई कोई सो गया क्या सब अबे आदित्य गौतम सो गया क्या भाई तुम लोग कोई रिप्लाई नहीं कर रहा एक भी आदमी चलो ध्यान दो रिएक्शन वाले पार्ट में ऐसा दे रखा 1 लीटर ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 कंटेनिंग 15.8 ग्राम ऑफ KMnO4 डीक्लराइज्ड और मैग्नीज का मोलर मास वाला पार्ट 55 के बराबर होगा बाय पासिंग सफिशियंट SO2 मतलब सफिशियंट SO2 पास करके चल रहा है मतलब बेसिकली हम लोग रिएक्शन कैरी आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और उस रिएक्शन वाले पार्ट में SO2 वाला पार्ट KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीडाइज होकर के आराम से SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो KMnO4 वाला पार्ट SO2 के साथ रिएक्शन करके SO3 में कन्वर्ट हुआ और अगर एसिडिक मीडियम है तो मैग्नीज वाला पार्ट Mn+7 से +2 में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा ये तो सबसे पहला कंसिडरेशन हो गया ठीक है उसके बाद इफ SO2 इज प्रोड्यूस्ड बाई FeS2 विच इज द वट इज द अमाउंट ऑफ FeS2 रिक्वायर्ड टू गिव डिजायर्ड SO2 तो SO2 का जो प्रिपरेशन है वो FeS2 के थ्रू हो रहा है FeS2 वाला पार्ट डेफिनेटली ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज करने पे SO2 का फॉर्मेशन कराएगा रिएक्शन देख करके मालूम पड़ रहा है हम लोगों को तो इस केस में जैसे अगर हम लोग एसिडिफाइड KMnO4 वाले पार्ट को कंसिडर करके चले तो उसके हिसाब से हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि 15.8 KMnO4 का मोलर मास कितना हो जाना चाहिए भाई पोटेशियम वाले पार्ट का हो जाएगा 158 आ रहा है क्योंकि यहाँ 15.8 दिख रहा है तो होना भी चाहिए 158 चलो ठीक है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जैसे KMnO4 वाले पार्ट में +7 से +2 में जा रहा है तो इस केस में हम लोग का वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट कितना निकल के आएगा जल्दी बताओ अभी वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा 5 करोड़ आ रहा है हाँ SO2 वाले पार्ट में वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा 2 के अराउंड आ रहा है ठीक है तो उस केस में जैसे देख लेते हैं सल्फर वाला पार्ट तो सेम ही है और यहाँ वाले पार्ट में +4 जा रहा है यहाँ वाले पार्ट में +6 जा रहा है 2 का चेंज यहाँ पे हो रहा है ऊपर वाले केस में 5 का चेंज हो रहा है चलो ठीक है तो KMnO4 वाले पार्ट में वैलेंसी फैक्टर 5 के अराउंड है SO2 वाले पार्ट में 2 के अराउंड दे रखा तो उस केस में इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ SO2 अगर कंसिडर करके चले तो इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब 15.8 के बराबर वैल्यू दे रखा था डिवाइडेड बाय मोलर मास 158 इनटू वैलेंसी फैक्टर 5 विल बी इक्वल टू SO2 वाले पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स निकालना ही है और वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट 2 के बराबर कंसीडर करके चल रहे हैं हम लोग तो अगर हम लोग इस इक्वेशन के हिसाब से काम करके चले तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 10 यहाँ से 2 निकल के आएगा इसका मतलब बेसिकली 1/4 मोल्स के बराबर आराम से कंसिडरेशन लेते हुए चल सकते हैं तो जब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 1/4 के बराबर निकाले तो इस केस में FeS2 वाला पार्ट अगर हम लोग SO2 में कन्वर्ट करते हैं
तो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे और सारा का सारा सल्फर वाले पार्ट को O2 में ही कन्वर्ट कर देंगे, तो दो सल्फर इसका मतलब 2SO2 वाला पार्ट बनना चाहिए प्लस Fe के बराबर रिएक्शन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एक मोल FeS2 दो मोल SO2 का फॉर्मेशन कराएगा, तो 1/4 बनाने के लिए कितना चाहिए? तो अगर हम लोग 1/8 लेके चले तो 1/8 वाले पार्ट से 1/4 मोल SO2 मिलेगा, मतलब FeS2 वाले पार्ट के 1/8 नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। सवाल में अमाउंट पूछा है, तो 1/8 वाले पार्ट को जब मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयरन का मोलर मास हो जाता है 56, सल्फर वाले पार्ट का 32 के बराबर, मतलब 56 प्लस 32 इंटू 2 64 के बराबर। तो उसके हिसाब से 6, 5, 11 और 10, इसका मतलब 120 by 8 कितना जाएगा? 15 ग्राम। तो अपना आंसर वाला पार्ट 15 ग्राम के बराबर निकल के आ जाना चाहिए। इतना भारी सवाल तो नहीं है भाई जितना तुम लोगों को टाइम लगा, मुश्किल से 4 लाइन का सवाल है। अबे ज्ञान कहाँ पे दिक्कत हुआ? सर वो रिएक्शन ही नहीं लिख पाए। कौन सा? ये नीचे वाला SO3 प्लस Mn2 प्लस। अरे इतना कौन सा? ये KMnO4 वाला पार्ट बोल रहा है क्या? यस सर। ये तो याद रखना है, तुम लोग को लिस्ट भेजा है, तुम लोग को बहुत पहले भी बोला था कि रेडॉक्स टाइट्रेशन में रिएक्शंस याद रखने होंगे, मतलब एक्चुअल में जो डी ब्लॉक के रिएक्शंस, इसलिए तो तुम लोग को लिस्ट कंपाइल करके भेज दिया कि एसिडिक मीडियम में Mn प्लस 7 से प्लस 2 में जाता है। लास्ट क्लास में ही तो लिस्ट दिया था ना उस चीज का, दिया था कि नहीं दिया था? यस सर दिया था। तो उसको याद रखना है भाई, उसको छोड़ने का नहीं। और ऐसे नहीं याद होगा, तुम क्वेश्चन सॉल्व कर तक लिस्ट देख लो ना सीधा, नहीं लिख पाएगा क्या मतलब होता है? उसको लिखना है, उसको बार बार लिखना है, मतलब वो रिएक्शंस याद होंगे तभी आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये मोल टाइट्रेशन टॉपिक डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, टाइट्रेशन सिंपल चीज है, टाइट्रेशन मतलब मोल कंसेप्ट है, इनफैक्ट मोल कंसेप्ट से भी आसान चीज है, पीयूएसी ज्यादा आसान चीज है, बट रिएक्शंस याद नहीं है इसमें। हम ही को रिएक्शन याद नहीं होता है कि अच्छा भाई ये पार्ट इसके साथ बेसिक मीडियम में क्या रिएक्शन करेगा, या H2O2 वाले पार्ट को जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, वो रिएक्शन हम ही को याद नहीं रहते थे। उसका बस लिस्ट कंपाइल करना था, जैसे लिस्ट मिल गया तो उसके बाद हम लिस्ट देख करके सारे क्वेश्चंस वहीं पे फ्रेम कर देंगे। बहुत बड़ा टॉपिक थोड़े ना होता है, और रिएक्शन से तुम लोग को याद होने चाहिए भाई डी ब्लॉक की तरफ से। डी ब्लॉक प्रैक्टिस नहीं किया क्या तुम लोग अभी तक? अबे जल्दी बोल। किए हैं सर। किए तो तुमको क्या दिक्कत हुआ इस सवाल में? नीचे वाला रिएक्शन में दिक्कत हो गया, कोई नीचे वाले रिएक्शन में दिक्कत हो गया। नीचे वाले में अखिल नीचे वाला नहीं हुआ। अबे तो नीचे वाला तो दिमाग लगा सकते हैं ना भाई, देख के मालूम पड़ रहा है। कभी कभी रिएक्शन में खुद का भेजा भी तो अप्लाई कर लो, SO2 बनाना है, ऑक्सीडेशन दिख रहा है साफ साफ, ऐसा रिएक्शन एनसीईआरटी में मोल कंसेप्ट में बहुत बार सॉल्व किया है इस तरह का रिएक्शन, इतना तो दिमाग चलेगा। हमको कोई रिएक्शन थोड़े ना याद था, वो तो देख करके रिएक्शन बदल गया, हाँ भैया ऐसा ही टाइप का रिएक्शन होगा। और कुछ नहीं होगा तो एक चीज तो मालूम पड़ रहा है ना, यहाँ पे दो सल्फर है सामने SO2, तो 1:2 का रिलेशन आएगा ही आएगा, फिक्स है। अगर यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, कुछ भी कर लो यहाँ पे 1:2 का ही रिलेशन आएगा, तो ये बिल्कुल फिक्स है। इतना दिमाग अप्लाई करो, इतना थोड़े ना दिमाग लगाने का सोचना पड़ेगा। चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट क्वेश्चन क्या, तो टाइम तो हो गया है, खैर 2-3 क्वेश्चन हम लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस नोट करो, उन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो तुम लोगों को दे देंगे, और आंसर्स को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जो बाकी बचा हुआ टॉपिक है, जो एस्टिमेशन वाले पार्ट की हम लोग बात करते हैं, मतलब क्लोरीन वाले पार्ट का जो हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं ब्लीचिंग पाउडर वाले पार्ट में, बेसिकली जो हम लोग टाइट्रेशन में एडोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो रिएक्शन एक्सप्लेन कर रहे थे, एग्जैक्टली वही चीज है जो एडवांस में भी सवाल आ रखा है इसके ऊपर। उसके अलावा जो हम लोग हाइड्रोजन परोक्साइड के स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम की बात करते हैं, ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हार्डनेस ऑफ वाटर वाला पार्ट भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, तो हम लोग का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। एक काम करते हैं, अच्छा ठीक है काम करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन लिखा नहीं रहे, तुम लोगों को हम एक असाइनमेंट फॉरवर्ड कर देंगे कल सुबह। बना पाएगा दिन भर में तुम लोग असाइनमेंट बता दो पहले, बनाएगा तभी हम क्लास लगाएंगे कल, नहीं बना पाएगा तो हम कल रात को क्लास नहीं लगा रहे, फिर हम एक दिन के बाद क्लास लगाएंगे। लेकिन असाइनमेंट पूरा सॉल्व करके ही क्या करना है, मतलब क्लास करना है, ताकि हम लोग डिस्कशन कर पाए, वो डिस्कशन जरूरी होगा, तुम लोगों को दिक्कत हो रहा है इस पार्ट में।
याद रखना है रिएक्शंस, वो लिस्ट देखो, वो लिस्ट अपने पास रखो, दो तीन बार चार बार पढ़ो, अपने आप रिएक्शन याद हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। बताओ कल होमवर्क बन जाएगा सारा? कल रात में क्लास लगाना है हमको, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से क्लास लगा सकते हैं।